माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदि सती जगनी जगत माते की। आज इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं, मां के भक्तों एवं समस्त जाति धर्म संप्रदाय की धर्म प्रेमी जनता को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि सत्य जग जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। जड़ चेतन और जीव, उनमें हम आप सभी जीवधारी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें जड़ चेतन जीव में एक जीवन मिला है। जीवंत एक जीवन, एक ऐसी आत्मा जो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हमारे विशिष्ट ऋषि सन्यासियों के पास भी थी, जिनके पास अलौकिक क्षमताएं थी। वही आत्मा राम के पास भी थी, वही आत्मा कृष्ण के पास भी थी, वही विश्वामित्र के पास थी, वही वशिष्ठ के पास भी थी। हम आप सभी उनका गुणगान करते हैं। क्या आखिर उनमें विशेषता क्या थी कि हम इतने वर्षों से सिर्फ उनका गुणगान करते आ रहे हैं, फिर भी मानवता पतन के मार्ग में जा रही है? सिर्फ इसलिए कि हमने उनका गुणगान तो बहुत कुछ किया, उनको हमने पूजा तो बहुत कुछ, अपने घर में सजा करके उनकी तस्वीरों को तो हमने रख दिया, उनकी आरती भी हमने कर ली, मगर हमने कभी भी उनके विचारों पर अमल नहीं किया, उनके चिंतनों पर अमल नहीं किया। आदि है मानवता, यदि उनके विचारों चिंतनों पर अमल कर रही होती, उस तथ्य को समझने का प्रयास कर रही होती कि आखिर ये भी मानव है, इन्होंने ये धरती में जन्म लिया है, ये भी मां के गर्भ से जन्मे हैं, इनके पास ये अलौकिक विशेषता आई तो कैसे आई? हमें तो खोज उस बिंदु पर करना चाहिए था, समाज को बढ़ना उस बिंदु पर चाहिए था कि आखिर किस पथ पर चल करके इन्होंने वह सर्वोच्च सत्ता, वह शक्ति सामर्थ हासिल की कि एक नए स्वर्ग की रचना करने की भी सामर्थ हमारे ऋषियों के पास थी। हम उन्हीं ऋषियों मुनियों की परंपरा के, उन्हीं की संतानें हैं, वही महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की संतानें हैं, उनके अंश हैं, उनके रजकण हैं। हम व्यथित हैं, समाज सब अशांत है, मानवता तड़प रही है, भौतिकता के कुछ लोगों के अंबार लगे हुए हैं और कुछ लोग एक समय के भोजन के लिए भी मोहताज हैं। मगर जो मोहताज हैं वो भी अशांत है, और जिनके पास बड़े बड़े भंडार भरे हुए हैं उनका भी मन मस्तिष्क पूरी तरह से अशांत है। मात्र इसीलिए कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा में सिर्फ पतन और विनाश है। हमें बढ़ना किस दिशा में चाहिए उसी का मार्ग में समाज में देता फिरता हूं। ना तो मैं समाज में कोई किसी और धन अर्जन के लिए लगाता हूं, अंश मात्र में मेरे जीवन में ऐसा कोई संबंध समाज से जुड़ा भी नहीं है कि आंशिक भी मेरे चिंतनों पर कहीं पे भी ऐसा कि मैं किसी शिष्य को दीक्षा देता हूं तो एक भी रुपए की दक्षिणा की कामना रखता हूं, या कहीं पर मेरे सिर लगाए जाते हैं तो वहां पर एक रुपए भी धन की कामना लेकर आता हूं। बल्कि जब मैं किसी सिर में आता हूं तो सबसे पहुंचने पर पहला मेरा प्रश्न ही रहता है कार्यकर्ताओं से कि यदि किसी प्रकार की धन की कमी पड़ रही हो तो मुझे अवगत कराइएगा, मैं व्यवस्था करा दूंगा। निश्चित है मेरे सिर जहां पर लगते हैं वहां की व्यवस्था वहां के शिष्यों द्वारा ही संचालित की जाती है। मैं भौतिकतावाद को लेकर के समाज के बीच बढ़ भी नहीं रहा हूं। जो पिछले 20-25 वर्षों से मेरी यात्रा को देख रहे हैं, मैंने कर्ज लेकर के भी समाज के जनकल्याणकारी कार्यों में लगाना अपने जीवन के पथ में एक वह रास्ता भी मैंने जोड़ रखा है। यह चिंतन प्रारंभ में इसलिए दे रहा हूं कि आपका यदि मन मस्तिष्क एकाग्र नहीं होगा तो जिस चेतना तरंगों से मैं आपको जोड़ने आया हूं उन चेतना तरंगों का आप लाभ नहीं ले सकेंगे।
और वह लाभ न ले पाना मेरे लिए सबसे बड़ा ऋण होगा, क्योंकि मैं अगर समाज का आह्वान करता हूं, समाज का एक मिनट भी लेता हूं, जिन क्षणों से आप घर से इस पथ की ओर चलते हैं, मैं मान लेता हूं कि आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, यह मेरा कार्य कर रहे हैं और मैं ऋणी होता हूं कि इसका फल मैं आपको दे सकूं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। और मेरे पास देने के लिए, आपके पास तक पहुंचाने के लिए सिर्फ अपनी चेतना तरंगे हैं, सिर्फ इस शरीर की साधना और तपस्या है जो प्रकृति सत्ता ने मुझे दे रखी है, क्योंकि प्रकृति सत्ता की कृपा के फल के विपरीत कोई जाकर के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं उसी विचारधारा से आप लोगों को जोड़ने आया हूं, आपके अंदर की चेतना को जगाने आया हूं, उस सोई हुई चेतना के आवरणों को कुछ हटाने आया हूं कि आपकी चेतना के आवरण इधर कुछ भी आंशिक भी हट सके, तो मैं जानता हूं आप लोग उस संबंध को जरूर पकड़ने का प्रयास करेंगे कि आपकी आत्मा की जननी कौन है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के अंदर एक समान आत्मा है। जब सभी के अंदर एक समान आत्मा है, आत्मा के अलग अलग स्वरूप नहीं है, तो निश्चित उस आत्मा की एक जननी होगी। उस आत्मा की जन्म देने वाली जननी सिर्फ एक होगी, वो हम आप किसी रूप में उसको मान रहे हो ये अलग बात है, क्योंकि उस मार्ग तक जाने के लिए अनेकों मार्ग हो सकते हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जिस तरह भोजन की तृप्ति पाने के लिए हम पूरी पकवान मिष्ठान भी खा सकते हैं, दाल चावल रोटी भी खा सकते हैं, नमक रोटी भी खा सकते हैं, चने फुला करके भी खा सकते हैं, हमको तृप्ति मिलेगी। सभी धर्मों का लक्ष्य सिर्फ एक है, मानवता की रक्षा, आत्मा और परम सत्ता से संबंध जोड़ देना। मगर निश्चित जब यह धर्म अलग अलग बनाए गए, रास्ते भी अलग अलग दिए गए, चूंकि हर एक की अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबका लक्ष्य एक था, मगर आज लक्ष्य भटक चुका है। आज सिर्फ परंपराओं की रक्षा की जा रही है। धर्म अध्यात्म क्या है, इससे बहुत कुछ समाज दूर हो गया, हमारे धर्म प्रमुख से दूर हो गए, धर्माचारी से दूर होते चले गए। सिर्फ या तो मठों की रक्षा की जा रही है, या तो वो जो परंपराएं हैं उनका केवल रखरखाव किया जा रहा है। समाज के बीच ना तो साधक तैयार किए जा रहे हैं, ना दृढ़ता से जो विषमताएं समाज में फैली है उनमें अपनी क्षमता भी झोंकने का प्रयास करते हैं। क्योंकि किसी भी साधु संत सन्यासी ऋषि यदि उसके पास किसी प्रकार की सामर्थ्य है तो हर पल उसको जनकल्याण में केवल लुटाते रहना चाहिए। मगर आज का समाज का अर्जन केवल धन खींचना होता है। कोई भी धर्म प्रमुख बन रहा हो, कोई भी धर्म संस्थान हो, अगर मैं कह दूं कि 99% स्थान ऐसे ही मिलेंगे जिनका मूल लक्ष्य होता है समाज से धन अर्जन करना। किसी प्रकार की संस्थाएं हो, चूंकि मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं, चूंकि मैं स्वतः देखता हूं और आपको भी चाहता हूं कि आप अपने विवेक से थोड़ा समझने का प्रयास करें। यह ज्ञान देने वाला आपसे धन से संबंध जोड़ करके रखेगा तो वह ज्ञान आपको दे ही नहीं सकता, वह ज्ञान उथला होगा। वो आप पुस्तकों को आपको रटेंगे, याद करेंगे और आपको सुना देंगे। आप पुस्तकों को उसी तरह रटते रहेंगे, रामायण का पाठ करते रहेंगे, गीता का पाठ करते रहेंगे, भागवत सुनते रहेंगे, आंशिक केवल आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए मैंने सबसे पहले न्यू डालने का रास्ता आपको दिया है कि नशा मुक्त और मांसा आहार मुक्त जीवन जियो। पूर्णतया यदि नशा मुक्त आप जीवन जियोगे, मांसाहार मुक्त जीवन जियोगे, तो आपके मन को शांति मिलेगी। और शांत के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। जिस तरह अन्न का एक दाना आपके स्थूल शरीर में जाता आपको तृप्ति मिलती है, आप एक दाना भी खाएंगे तो आपको कुछ क्षण की तृप्ति अवश्य मिल जाएगी और खून में परिवर्तित होकर के लंबे अंतराल तक आपका शरीर का संचालन करती है। उसी तरह एक पल भी यदि आप सात्विकता से बैठते हो, एक मंत्र का यदि आप जाप करते हो, तो उसी तरह आपकी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होती है। क्योंकि जिस तरह धर्म कर्म करने से स्थूल का भोजन करने से स्थूल शरीर की तृप्त होती है, उसी तरह सूक्ष्म की तृप्त होती है जब आप इन माध्यमों को अपनाते हो। यदि आपके अंदर वह आवरण न पड़े होते तो इन माध्यमों की कोई जरूरत नहीं थी, मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं थी, ध्यान की जरूरत नहीं थी, योग की जरूरत नहीं थी। आज इनकी और जरूरत है, इसलिए आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि आवरण पड़ चुके और आवरणों को हटाने के लिए हमको उन्हीं रास्तों को तय करना पड़ेगा। उस सुपर कंप्यूटर की ओर अपनी आंखों को खोलो, जानने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो कि आत्मा के इसी शरीर के अंदर हमारे एक सुपर कंप्यूटर बैठा हुआ है। इसलिए मैंने कहा नशा मुक्त जीवन जियो, मांसाहार मुक्त जीवन जियो।
ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, इस मंत्र का कुछ न कुछ जाप नित्य करके देखो। आपकी कोई परेशानियां हो, जिन परेशानियों को आप लोग लेके आते हो, उन परेशानियों के लिए घर में बैठो और केवल इन मंत्रों का कुछ न कुछ, कभी भी परेशानियों आपको कहीं ना कहीं उन चीजों का सहारा प्राप्त होगा। आपके अंदर एक चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति को सिर्फ समझना है, जानना है। चूंकि चिंता और चिंतन इनमें बहुत कुछ फर्क है, क्यों सिर्फ समझने का, यदि आप समझ जाओ तो एक पतन के मार्ग में ले जाता है और एक विकास के मार्ग में ले जाता है। चिंतन तुम्हें संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है और चिंता तुम्हें निराशा के कगार में ले जाती है। क्योंकि तुम भूल चुके हो, छोटी सी विषमताएं आती, छोटी सी परेशानी आती, चिंताग्रसित हो जाते हो। उन विषम परिस्थितियों में जब आपके सामने समस्याएं आकर के आपको घेर ले, आप सचेत हो कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, और अगर मैं मार्ग तलाशने का प्रयास करूं तो हर परेशानी का कोई निदान का मार्ग अवश्य होगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि ऐसी कोई दुनिया में परेशानी जिसके निदान का मार्ग कहीं ना कहीं हो ना। क्योंकि प्रकृति वो सर्वोच्च सत्ता जिसकी विराटता, जिसकी सामर्थ्य का आज तक कोई पार पा पाया है ना पार पा सकेगा, तो शक्ति सर्वोपरि है, समस्याएं सर्वोपरि नहीं है। उस सर्वोच्च सत्ता की शक्ति को पहचानो कि कोई ना कोई मार्ग इन विषम परिस्थितियों से निकलने का अवश्य आपके पास होगा। आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता जागृत होगी, संघर्षशील बनो, सचेत हो। जब तक आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं आएगी, जब तक आपके चिंतन सही नहीं होंगे, तो चिंताएं आपको घेरती चली जाएंगी, चिंताओं में आप उलझते चले जाओगे, आप अपनी समस्याओं के निदान खोज ही नहीं पाओगे। चाहे जितने मंदिरों में जाओ माथा टेको, चाहे जितने गुरुओं के चरणों में माथा टेको, आपको सिर्फ आंशिक लाभ मिलेगा। क्योंकि भावना का फल मिलता, मैं नहीं कहता बिल्कुल फल नहीं मिलता, और बहुत कुछ आंशिक लाभ प्राप्त हो पाता है। आपको थोड़ा इन बिंदुओं पर विचार करने, क्योंकि मैं उन्हीं बिंदुओं पर विचार, कि जिन बिंदुओं पर विचार करके आज मैं इस स्थान तक बैठा हूं। अगर मैं अपनी बात कह देता हूं तो मैंने कहा, मैंने मैं शब्द के बारे में कहा है कि आपका मुझे मेरे द्वारा बार बार ये कहा जाना कि मैं कह रहा हूं बता रहा हूं, या तो मैंने मैं शब्द के बारे में कहा है। क्योंकि मैं शब्द आत्मा का उच्चारण है, क्योंकि समाज में मैं शब्द के अलावा और कुछ शब्द है ही नहीं। मैंने इसका भी ज्ञान किया कि अपने मैं को खोज लो केवल, कि मैं कौन हूं। इसी तरह आप लोग भी अपने मैं को सिर्फ खोज लो कि मैं हूं कौन। अपने आप को जिस दिन आप लोग पहचान गए, आपकी समस्त समस्याएं आपसे दूर भाग जाएंगी। बोलो सतगुरु भगवान की जय। इस शरीर में चाहे जितने संघर्ष आ जाएं, उनके निदान के रास्ते खोजना, कभी चिंताग्रसित नहीं रहता, कभी मन अशांत नहीं रहता। क्योंकि मैं आपको चिंतन दे रहा हूं किसी, मगर एक पल मैंने कहा विज्ञान को मैंने चुनौती रखी है। क्योंकि मगर कह रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं कि मुझे लोग मानने लगेंगे, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि साल में एक सूर्य समाज के बीच मेरे द्वारा लगाया जाता है, विशेष जरूरत में दो सूर्य लगाए जाते हैं। मैंने एकांत साधना का पथ चयन किया है, बहुत कुछ समय ऐसा कम ही होगा तो मैं समाज के बीच में सूर्य लगा सकूं। अनेकों ऐसा समय आएगा कि आप मेरे सामने जिस तरह बैठे, ऐसा समय भी आपको उपलब्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे अपने मार्ग का, अपने पथ का ज्ञान है। आज से जो मैंने 2500 साल पहले कह रखा था, वह आज यात्रा उसी तरह चल रही है, और आज जो कह रहा हूं, मुझे अपने पथ का ज्ञान है कि मुझे कितने एकांत साधनाओं में रत रहना है, समाज कल्याण के लिए, समाज के लिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि मैंने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण मैंने समाज कल्याण के लिए समर्पित कर रखा है। वही विचारधारा आप लोगों से चाहता हूं कि अलौकिक क्षमताएं आपके अंदर भरी हुई है, सिर्फ उसे पहचानने का प्रयास करो। इस शरीर के अंदर है क्या? अगर आज विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती, बार बार विज्ञान को चुनौती रखी जाती है कि मेरे सामने विषम स्थितियां हो, नाना प्रकार की विषमताएं हो, एक क्षण लगता है कि मैं अपने आप को एकाग्र कर सकता हूं, आंकलन कर सकते हैं कि मेरी पूरी सुषुम्ना नाड़ी एकाग्र है नहीं, कि मेरे चिंतन बाहर की ओर भाग रहे हैं। क्योंकि ये आज विज्ञान में क्षमताएं हैं कि मस्तिष्क का, किसी के मस्तिष्क की जांच कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा समाज का, चूंकि इसलिए कि प्रमाण आप चाहते हैं, प्रमाण मेरे चमत्कारों के माध्यम देखो देना चाहो तो अनेकों शिष्यों से आप जानकारी लेंगे। अनेकों लोगों को जीवन दान दिया गया, अनेकों विषम परिस्थितियों में लोगों को उबारा गया, अनेक लोगों को बीमारियों के स्पर्श मात्र से ठीक किया गया, मगर मेरा यह लक्ष्य नहीं है। मेरा प्रथम लक्ष्य है आपको आत्मावान बनाना, चेतनावान बनाना। मैं केवल आपके आत्मा से संबंध जोड़ने आया हूं, नाना प्रकार के मैं लाभ देना चाहूं तो मैं यहां पर आज अनेकों शिष्य बैठे हैं, इंदपाल आहूजा बैठे हुए, कमलेश गुप्ता बैठे हुए, यहां अनेकों जो मेरे शिष्य आज अगर 20-25 साल से अगर नौकरों के समान लगे रहते हैं कि अगर उन्हें नाली साफ करने के लिए कह दिया जाए तो बड़ा झिझक नहीं करेंगे। क्योंकि सत्य को देखना कि आखिर इनके अंदर है क्या, क्या मैं उन्हें धन दौलत से मैं जोड़ करके मैंने रखा है,
यदि उन्हें पैर से 10 बार ठोकर मारू फिर भी इस स्थान पे जाना नहीं चाहेंगे। अगर इस स्थान में कह दूं 100 बार कान पकड़ कर पूरे समाज सामने उठो बैठो तो प्रसन्नता से उठे बैठेंगे, क्योंकि उन्हें उस सत्य का ज्ञान कहीं ना कहीं आंशिक हुआ है। अनेकों घटनाओं के साक्षीभूत हैं, क्योंकि मैं अगर उस तरह की घटनाओं का प्रमाण देने लगूं तो आप लोग उसी तरह केवल लाभ के लिए मुझसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं उन लाभों से संबंध जोड़ने नहीं आया। लाभ तो मुझे जिस प्रकार से आपको देना है बराबर, अगर आप मेरे सामने आ गए हैं तो लाभ उतना लेकर के ही आप यहाँ से जाएंगे। बोलो सत भगवान की जय। खाली हाथ यहाँ आने वाला कोई एक शिष्य नहीं जा सकता, मगर आगे जिस पथ पर बढ़ना है उसका ज्ञान कर मैं आपको शब्दों के माध्यम से ही करा सकता हूँ, उसे सिर्फ बताकर ही करा सकता हूँ कि आपको चलना किस प्रकार से, आप किस तरह चल करके आगे भी आप उनसे मिल सके या न मिल सके, फिर भी आप अपने जन कल्याणकारी मार्ग में आप बढ़ते चले जाएंगे। एक साधक एक योगी को लाभ देने के लिए किसी शब्दों को कहने के आगे जो है आशीर्वाद मुख से ना भी बोले, क्योंकि शब्दों की का अस्तित्व क्या है, मैं वह अस्तित्व बताने आया हूं कि बड़े बड़े धर्माचार शब्द ग्रंथ पुराणों की ओर आपको खींचते चले जा रहे हैं, मगर उन धर्माचारों से कह दिया जाए कि आपकी चेतना तरंगे जागृत है, उन योगाचार्यों से कह दिया जाए कि आपके आपने अपनी कुंडली चेतना को जागृत की है, तो सर झुका करके नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि शब्द हमारी यात्रा में कहां तक जाते हैं, ये ग्रंथ पुराण हमको कहां तक पहुंचाएंगे। एक बिंदु आता जहां शब्दों का लोप हो जाता है। समाज में अनेकों ऐसे साधक है, आप लोग भी अनेकों लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा सा प्रयास करके देखें कि मंत्र जाप करते करते जब आपका मन एकाग्र होने लगेगा आपके मंत्र रुक जाते हैं, आप स्वतः देखें। तो ये मंत्र शब्द ग्रंथ पुराण हमको केवल उस बिंदु तक पहुंचाते हैं, हर एक की एक सीमाएं हैं। आकाश का गुण है शब्द, पंच तत्व हमारी सहायता करते हैं, यह पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, पंच तत्वों को हमको सहयोग लेना पड़ा, मगर इसकी एक सीमाएं हैं। तो यदि हम केवल शब्दों पर ही आश्रित होकर के रह जाएंगे, शक्ति की चेतना तरंगों को अर्जित ही नहीं करेंगे, तो वही परंपरागत जो चलता चला आ रहा है कि किसी समय एक शंकराचार्य ने चार चार मठों की स्थापना कर दी, चार चार उनकी आवाज न मालूम 65-65 शंकराचार्य हैं, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता, समाज में विषमता फैली है, लोग भूखों मर रहे हैं, केवल धर्म ज्ञान करा देने मात्र से क्या समाज का कल्याण हो जाएगा? किसी भी धर्माचार्य को देख लो, किसी भी योगाचार्य को देख लो, केवल उद्योगपति मंत्री मिनिस्टर ही उनके चौकड़ों में उनके उनकी पार्टियां हो उनको अटेंड कर रहे होंगे, उनके बच्चों का जन्मदिन हो उनको अटेंड कर रहे होंगे, गरीब समाज उनसे दूर हटता चला जा रहा है। जिस साधु संत सन्यासी के हृदय में गरीबों के लिए स्थान नहीं है वो साधु संत सन्यासी नहीं है, सिर्फ एक लुटेरा है। मैं उस सत्य का ज्ञान आपको कराने आया हूं, मेरे जीवन का समय समाज के बीच मैंने एक सीमाएं बांधी है, मगर तब तक उन आपके अंदर से पड़े हुए आवरणों को हटा देना चाहता हूं कि अगर आज अध्यात्म समाज अगर सचेत होता, यदि हमारे धर्माचार्य अगर चाहते तो आज हिंदुस्तान धर्म की धुरी कहला रही होती, आत्मावादों का देश कहला रहा होता, यहाँ की विषमता समाज दूर हो चुकी होती। अरे जिन धर्माचारों को चाहिए कि उन धर्म कुमारों को पैर से ठोकर मारे यदि वह अनित अन्याय धर्म के रास्ते में चल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री आ जाए कोई भी धर्म प्रमुख होगा लेकर के माला पहुंच जाता है, अपनी गद्दी उतर करके खड़ा हो जाएगा, इतना वे थोथे रह गए हैं कि अंदर का। उस दिन मैंने कहा कि किसी दाने का सिर्फ छिलका जिस तरह शेष बचता है उसी तरह धर्म ग्रंथों उनके पास, धर्माचार्यों के पास, साधु संत सन्यासियों के पास इतना थोथापन आ गया है कि उनकी गहराई समाप्त हो चुकी है, वो संबंध जहां पे जोड़ रखने चाहिए सब समाप्त हो चुके हैं। अब आज यही कारण है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान विश्व जगत में अशांति असंतुलन फैला हुआ है। जगाना पड़ेगा इस समाज को, उठाना पड़ेगा इस समाज को, सचेत करना पड़ेगा इस समाज को कि केवल राम राम जपने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मेरा जीवन भी धर्म क्षेत्र से जुड़ा है, मैं भी साधना तपस्या करता हूं, मगर समाज की विषमताओं से भी उतना संबंध रखता हूं, अवगुणों से दूर भगाने की उतनी क्षमताएं बाहर भी रखता हूं, क्योंकि केवल हमको शांति का रास्ता तय कर लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। अनेकों लोग कहते हम तो शांति के पुजारी हैं, शांति के पुजारी हो कि राख के पुजारी हो, शांति में किसके पुजारी हो, हम शक्ति के पुजारी हैं, हम शक्ति के आराधक हैं, हम शक्ति के रजकण हैं। बोलो सब भगवान की जय। और शक्ति हमें सिखाती क्या है, क्या राख का ढेर बन जाना, क्या हमारे आंखों के सामने अनित अन्याय अधर्म होती रहे और फिर भी हम कहते हैं कि हम बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। वह साधु संत सन्यासी यदि उनके उनकी झोपड़ी में कोई पहुंच जाए और चोरी करके सामान उठा के ला रहा हो तो चीखने चिल्लाने लगेंगे और समाज को क्या सिखाएंगे, अरे ठीक कोई गलत कर रहा हो छोड़ो उसको,
समाज में अनेकों संस्थाओं को उनके चिंतन कभी भी आप सुने। मैं आपको शांति का पाठ भी पढ़ाता हूं और शक्ति का पाठ भी। हासिल करना है शक्ति तुम्हें हिजड़ा नहीं बनाना सिखाती, शक्ति तुम्हें अस्पर्श बनाना नहीं सिखाती, शक्ति तुम्हें सिखाती है चेतना मानव का जीवन जियो। तुम मानव हो, मानवता के कर्म करने में अपनी क्षमताओं को लगाओ, अपनी शक्ति सामर्थ्य को लगाओ, अनीति अन्याय अधर्म से संघर्ष करना सीखो। यदि आज एक अनीति अन्याय अधर्म में संघर्ष करना हम बंद कर दे, हर साधु संत सन्यासी कहे कहेंगे। मेरे विचार आज में मेरे स्थान में अनेकों लोग फोन आते रहते हैं कि गुरुदेव जी आप इसी मार्ग में, या जो अन्य साधु संत सन्यासी उनके भी फोन आते रहते हैं कि आप इसी क्षेत्र में हैं, आप कोई यदि समाज से ऐसी है तो आप साधु संत आप एक अलग कमरे में बैठ के आगे आप चर्चा कर लीजिए, इस तरह की भाषा मत बोलिए, इस तरह की भाषा में हमारा अनादर होता है। मैं किसी का अनादर नहीं करता, यदि वास्तव में आप साधु संत सन्यासियों को मैं सबका सम्मान करता हूं, क्योंकि हर एक पास सामर्थ्य है। मगर यदि सामर्थ्य है तो मेरे शब्द आपको बुरे लगेंगे नहीं, और यदि तुम्हारे पास केवल वस्त्रों का आपने भेष लगा रखा है तो निश्चित मेरे शब्द आपको चींटियां जितने समान काटेंगे। साधु संत सन्यासियों का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि अपने लिए साधना कर रहे हो तो एकांत स्थान में करते रहे, अपने आप में मग्न होते रहे, मगर यदि समाज के बीच रह रहे हैं, समाज का दिया खाते हैं, समाज का दिया पहनते हैं, तो समाज को ज्ञान सिखाना चाहिए, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ उनको खड़े करने की सामर्थ्य प्रदान करनी चाहिए, उनकी शक्तियों को जगाना चाहिए। मेरे भक्ति मानव कल्याण का गठन केवल इसलिए मां का गठन, मैं अपने नाम से किस चीज को जोड़ना नहीं चाहता। भक्ति मानव कल्याण संगठन में जितने सदस्य कार्यकर्ता जुड़े हैं आज उसी पथ में धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं स्वतः भक्ति मानव कल्याण संगठन अपने आप को सिर्फ एक कार्यकर्ता मानता हूं, क्योंकि मेरा साधना पक्ष अलग है, समाज सेवा का पक्ष अलग है। मगर आप स्वतः अपने विवेक से देखिए, खुली आंखों से आपके सामने होता रहता, आप सोचना ही नहीं चाहते किनके सामने आप गिड़गिड़ाते हैं, जो स्वतः समाज के सामने ही गिड़गिड़ाते हो। कोई एक आध करोड़ देने के लिए तैयार हो जाए, 25-50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाए, किसी भी धर्माचार को 24 घंटे के अंदर अपने घर में बुला सकता है। और इस धरती में अगर कोई भी धनवान पैदा हुआ हो तो धन बल के माध्यम से शरीर को बुला करके जीवन में देख लेगा। परमेश्वर भगवान की जय। यह सिर्फ भावनाओं का गुलाम है, भूखों मर जाना पसंद करेगा मगर अनीति अन्याय अधर्म के 1 रुपए के पीछे गुलामी करना पसंद नहीं करेगा। मेरा आध्यात्मिक जीवन भी उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ना मैं समाज का दिया हुआ खाता हूं, ना समाज का दिया हुआ पहनता हूं। समाज का अगर 1 रुपए भी कहीं का सहयोग आता हो जन कल्याणकारी कार्यों में ही लगता है। मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वतः व्यवसायिक क्षेत्रों में कुछ ना कुछ इतना जोड़ करके रखता हूं कि जिनसे मैं अपना प्रारंभ से अपना परिवार अपने समाज जो नजदीकी जुड़े सदस्य उनका जीविकोपार्जन उतनी आराम से कर लेता हूं कि समाज का 1 रुपए मेरे पीछे नहीं लग पाता। और ये प्रारंभ चला रहा है जो आज 20-25 साल से मुझसे जुड़े, जो बचपन से मुझसे जुड़े हुए हैं, कि मैंने ना अपने परिवार का कभी ऋण रखा, ना अपने इष्ट मित्रों का ऋण रखा, ना समाज का ऋण रखा, ना आज शिष्यों का ऋण रखता हूं। यदि आज 1 रुपए का शिष्यों का कहीं उपयोग मेरे जीवन में हो जाता है तो 10 रुपए अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्यों में लगा देता हूं। यह मेरी यात्रा है, क्योंकि यही साधकों ऋषियों मुनियों के पास भी पहले भी था और भविष्य में भी होना चाहिए। जो स्वतः गुलामी का शक्ति सामर्थ्य अगर तुम्हारे पास है तो तुम दूसरे को तो कहते हो तुम्हें करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे, और तुम उन्हीं करोड़ों अरबपतियों के सामने खुद घुटने टेकते हो, भिखारियों का सा जीवन जीते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य हट चुकी है। अपने कर्म बल को पहचाना चाहिए। साधनात्मक मार्ग हमारा अलग है। यदि हम शरीर लिए हुए हैं तो हमारे शरीर के हमको जीविकोपार्जन के कार्य अपने परिश्रम कर्म बल के माध्यम से उपार्जित करना चाहिए। आज अनेकों योगाचार्य समाज के बीच, क्योंकि मैं आंखें खोलना ही आया हूं कि समाज के कह रहे हैं कि अब समाज में कोई एक व्यक्ति भी मरने नहीं पाएगा। एक एक शिविर में करोड़ों करोड़ों रुपए की आयुर्वेदिक दवाई बेची जाती है, शिविर का शुल्क लगाया जाता है, अनेकों योगाचार समाज में शिविर लगाने लगे। जिस तरह धर्म का पतन हो गया कि एक कथावाचक निश्चित, आज अनेकों कुछ कथावाचक है जो सार गर्भित चिंतन देते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मगर अनेकों 99% जो कथावाचक है जिनका केवल धन चिंतन बन गया, केवल धन अर्जन, वह परंपरा बन गई है। इस तरह योगाचार्यों की परंपरा बनती चली जा रही है, शिविर लगाते हैं, शिविर शुल्क लेते हैं। यदि किसी प्रकार का शिविर शुल्क लगाया जाता, चूंकि यह ऋषियों मुनियों की का एक ज्ञान था जो निःशुल्क सदैव बांटा गया है, योग सदैव निःशुल्क बांटा जाना चाहिए। मेरे आश्रम में भी कभी कोई पहुंचता है तो अगर योग सीखना चाहता तो उसको समय दिया जाता है, रहने की व्यवस्था निःशुल्क रहती है, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहती है, 1 रुपए का किसी तरह का शुल्क नहीं रहता। जब भी वहां योग के क्रम नवंबर और फरवरी का महीना पूरे महीने 1 महीने कभी भी कोई आ सकता है, बाकी कभी भी कोई आए, वहां योग के क्रम शिष्यों द्वारा चलते रहते हैं, वहां बैठकर उन योग की क्रियाओं को सीख सकते हैं।
मां का वहां दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ समाज कल्याण के लिए चलता रहता है। क्योंकि जिस तरह अगर मैं आपको सचेत करता हूं, आपको कहता हूं कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना सीखो, एक पाठ तो करो, बड़े बड़े मंत्र स्तोत्रों का आपको ज्ञान हो या ना ज्ञान हो, क्योंकि आपके लिए मैं वह सूत्र से आपको जोड़ रहा हूं कि अगर आपसे कहता हूं एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो तो वह अखंड पाठ मेरे सिद्धाश्रम में अखंड अनंत काल तक के लिए चल रहा है सतत। केवल आपको संबंध से जोड़ दोगे, वह ऊर्जा प्रवाह आपको आपके पास तक आने लगेगा। मगर इस भटकाओं में पड़ोगे तो निश्चित आप उसी तरह का आप तो आध्यात्मिक जीवन कर रहे हो, आप धर्म कर्म का आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, हम तो किसी तरह का अवगुण नहीं करते, फिर भी हमारे सामने विषमताएं क्यों है? उनको दूर कर सकते हो धीरे धीरे। संघर्ष आना कोई बड़ी बात नहीं है, समाज सुख और शांति मांगता है। मैं कह रहा हूं जो आज तक समाज में किसी के सामने संघर्ष न डाले गए हों, विषमताएं न डाली गई हों, वो माता आदि सज्जनी जगदम्बा मेरे जीवन में डाले। क्योंकि जब मेरे जीवन में संघर्ष विषमताएं आएंगी तभी तो उनसे निकलने का पार जाने का मार्ग मैं हासिल कर सकूंगा, तभी तो उस प्रकार सत्ता हुए ज्ञान हासिल कर सकूंगा। बोलो सर भगवान की जय। क्योंकि हर संघर्ष से निकलने का कोई ना कोई मार्ग होता है। आज अनेकों योगाचार जो पूरे समाज को लूट रहे हैं और फिर भी हमारी देवचार जिस प्रदेश में देखो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, खुद सहयोग दे देकर अपने जिलों से करोड़ों करोड़ रुपए धन इकट्ठा करा करके बस धर्म कार्य के लिए इकट्ठा हो रहा है और जा कहां रहा है? कोई किसी चैनलों में अपना व्यवसाय कार्य में जुट रहा है, कोई किसी तरह के सैकड़ों प्रकार के व्यवसाय क्षेत्रों में समाज का दान का दिया हुआ पैसा लगाया जा रहा है। कहीं डॉक्टरों को गाली दी जा रही है, जो डॉक्टर इस धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता है उन्हें डॉक्टरों को गालियां दी जा रही है, कहीं वकीलों को गालियां दी जा रही है, खुद लुटेरों के समान जो जीवन जीते हैं वो समाज भी जो डॉक्टर विषम में विषम परिस्थित हो आज अनेकों लोगों को जीवन दान दे रहे हैं, अनेकों लोगों को सहारा दे रहे हैं, उन्हें कहा जाता है वो लुटेरे हैं। अरे छोटी मोटी कमियां सब जगह होती है, मैं जिस मार्ग में बैठा हूं वहां भी कमियां हैं। आज अगर साधु संत सन्यासियों के बीच कहता हूं तो मेरे मार्ग में भी जितने केवल यही भी विषमता है कि जिन वस्त्रों को मैं धारण के बैठा हूं उन्हीं वस्त्रों को अनेकों लोग समाज में धारण के कहीं ना कहीं गलतियां कुछ कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं, सत्य भी उन्हीं के बीच बैठा हुआ है। अनेकों डॉक्टर जिन्हें लोग भगवान के समान मानते हैं, असाध्य से असाध्य रोगों में वे आपको लाभान्वित करते हैं, जो समाज को लूट रहे हैं वो कह रहे हैं वो डॉक्टर लूट रहे हैं। डॉक्टरों ने उस तरह समाज से लूट करके बेईमानी करके दान के दक्षिणा के उनसे अपने अस्पताल नहीं बनवाए, उनके मां बाप ने अगर पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च किया है तो निश्चित अपने जीविकोपार्जन के लिए वो अपनी कुछ न कुछ फीस अवश्य रखेंगे। अगर उन्होंने अस्पतालों का निर्माण बैंकों से ऋण के लेकर के रखा है तो उनको बैंकों का ऋण उतारने के लिए धन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। मगर धर्माचारों योगाचार्यों की किस चीज की आवश्यकता है? अगर धर्म स्थान के निर्माण भी कराना है तो समाज को स्वेच्छा में छोड़ देना चाहिए, समाज को अपने विचार चिंतन बताने चाहिए, मगर उसके लिए फ्यूर शुल्क लगाया जाए, उसके लिए केवल धन कुबेरों के चौकड़ों में माथा टेकते फिरा जाए, यह धर्म का अपमान है। मैंने इसीलिए अगर जो अपनी बात रखी है तो इसी वजह रखी कि आज या तो सचेत हूं या तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें। मैं हर काल में उपस्थित हूं, मैंने कहा विज्ञान को भी मैंने चुनौती दी है कि अगर मैं कह रहा हूं तो आज विज्ञान के पास ब्रेन का टेस्ट करने की क्षमता है कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है कौन व्यक्ति सही बोल रहा है। मैं कह रहा हूं इस शरीर से मैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जब जहां चाहूं वहां विचरण कर सकता हूं। बोलो सत भगवान की जय। क्या आज समाज के बीच योगाचार्यों के पास वो सामर्थ्य है? अगर है तो उन मशीनों के बीच अपने आप को गुजारें, पहले मैं गुजरने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं आपको सिर्फ सचेत करना चाहता हूं कि सिर्फ लोगों के कहने पर अपने विवेक से सोचो समझो, उसके बाद अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, आपका कल्याण होगा। अनेकों धर्माचार्य हैं आज समाज में, यदि वो धर्माचार मैंने कहा जितने धार्मिक संस्थान बने हुए वे जन चेतना फैलाना शुरू कर दें तो हमारा धर्म क्षेत्र भी सुधर जाए, समाज क्षेत्र भी सुधर जाए और राजनीति क्षेत्र भी सुधर जाए। ये अनीति अन्याय अधर्म कोई भी क्षेत्र व्यक्ति यदि राजनीति नेता बनना चाहता तो पहले अपराधी बनता है। एक विचारधारा पनप गई है कि अगर मुझे राजनीति में जाना है तो पहले अपने लोफड़ बनना पड़ेगा, अपने क्षेत्रीय थाने में मुझे नाम दर्ज कराना पड़ेगा, दो चार की हत्याएं करना पड़ेगा, दो चार को मारना पीटना पड़ेगा, तभी अपने मोहल्ले का क्षेत्र का एक नेता बन सकता हूं। एक विचारधारा पनपती चली जा रही है जहां समाज सेवा की भावना होनी चाहिए कि मैं अगर थोड़ा भटका तो और सुधार करके अपने अपने मोहल्ले की अपने गांव की सेवा करूंगा कि लोगों से मेरा संबंध आत्मीयता से जुड़ सके। विचारधारा पूरी मरती चली जा रही है, इसका अंत क्या होगा? इसमें कहीं ना कहीं आपको विचार करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। आज जगह जगह जो दुर्गा चालीसा के पाठों के अनुष्ठान कराए जा रहे हैं उन्हीं से जन चेतना समाज के बीच डाली जा रही है, आध्यात्मिक वातावरण समाज के बीच डाला जा रहा है। चूंकि मैं दोनों पक्षों में बराबर सक्रियता से कार्य कर रहा हूं, समाज में जहां संगठन के कार्यकर्ता निःशुल्क भाव से जाकर समाज में जन जागरण करते हैं, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, वह ऊर्जा के से संबंधों को जोड़ते हैं, वही आपको सचेत करते हैं कि नफा मुक्त जीवन जियो, मांसाहार मुक्त जीवन जियो।
अनित अन्याय अधर्म के विरुद्ध धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू करो। धीरे धीरे वह आवाज अपने आप में सामर्थ्यवान होगी, धीरे धीरे वह आवाज समाज में परिवर्तन डालती चली जाएगी कि कोई राजनेता यदि आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता होगा तो आपके साथ एक सेवक की तरह बर्ताव करेगा। उन समाज में जो आज की परिस्थितियां उनसे अपने आप को सचेत करो। जब आपसे संबंध स्थापित करने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तब का आपका संबंध देखो कि कितना प्रेम भाव का संबंध नजर आएगा, कि हो सकता है आपका जूठा पानी भी पी ले, आपके घर में खाना भी खा ले, मगर किसी चुनाव जीत जाने के बाद, मंत्री मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन जाने के बाद, वह किस तरह का बर्ताव समाज के साथ करते हैं। हम किसी भी पद पर बैठे, हमको सबसे पहले अपने कर्म पर सचेत होना चाहिए, क्योंकि आज कोई मंत्री बना, मिनिस्टर बना, तो उसके कर्म संस्कारों में जुड़ा हुआ है, उसके योग होंगे उस पद तक पहुंचा, मगर पद की मर्यादाएं क्या होती है, पद के कर्म क्या होते हैं, उसके लिए हम आप सभी को सचेत होना पड़ेगा कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में अपने आप को सुधारें। और सुधारने का सिर्फ एक रास्ता है कि आत्मा का शोधन करें, अवगुणों से अपने आप को अलग हटाएं। अनित अन्याय अधर्म से कमाया हुआ धन केवल विनाश और पतन के मार्ग में ही आपको ले जाएगा, आपके परिवार को ले जाएगा, आपके समाज को ले जाएगा। आप धन इकट्ठा कर रहे हैं अनित अन्याय अधर्म से, आप नहीं गलत करोगे तो आपके बच्चे गलत करेंगे। समाज में अनेकों ऐसी घटनाएं होती हैं, उनको देखने समझने की जरूरत है। यह देश सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया, यदि हम केवल सचेत हो जाएं, जो एक दूसरे केवल सहयोगी बन जाएं, अपने पास उतना ही अर्जित करें, अपने आप पास उतना ही संचित करें जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उससे अधिक नहीं।